वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए एक बड़े धमाके में 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर लेबनान में यह धमाका क्यों हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है, और समझते हैं कि क्या यह कोई आतंकी हमला तो नहीं। जानकारी के मुताबिक लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए एक बड़े धमाके में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 4000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी। इस घटना के बाद पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में हलचल मची हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 6 साल से एक बंद गोदाम में रखे 2750 टन विस्फोटक की वजह से यह घटना हुई। हालांकि अभी धमाके की सही वजह का पता नहीं लग पाया है। इस बीच लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने ट्वीट करके कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार है कि 2750 टन अमोनियम शहर के बीच असुरक्षित ढंग से रखा गया था। इस मामले में अब जांच बैठा दी गई है। लेबनान के रक्षा विभाग सुप्रीम डिफेंस काउंसिल ने कहा है कि घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें लंबी सजा भुगतनी होगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बेरूत में धमाके के बाद से ही हॉस्पिटलों में भीड़ जमा हो गई। जिस जगह धमाका हुआ वहां से 10 किलोमीटर दूर तक धमाके का असर दिखाई दिया। सैकड़ों इमारतों का मलबा सड़कों पर ही फैला दिखाई दिया, जबकि दुकानों के शीशे भी टूट गए। धमाके के एक चश्मदीद ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि आसपास के इलाकों की सभी बिल्डिंगें तबाह हो गईं। उसने बताया कि आसपास अंधेरा छा गया और सड़कों पर लोग कांच और मलबे के ऊपर से ही गुजर रहे हैं। इस घटना के बाद राष्ट्रपति मिशेल ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इमरजेंसी फंड्स के तौर पर 100 अरब लीरा यानी करीब 495 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात कही। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज 240 किलोमीटर दूर साइप्रस के द्वीप तक सुनी गई। इस धमाके के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करी और कहा कि ये एक घातक हमला लगता है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बेरूत से आ रही तस्वीरें और वीडियो चौंकाने वाले हैं। इस हादसे की जद में आने वालों के साथ मेरी प्रार्थनाएं, हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। लेबनान स्थित भारतीय दूतावास ने भी भारतीय समुदाय की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में हमने आपको लेबनान में हुए भीषण धमाके की पूरी जानकारी दी। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई आतंकी हमला है या फैक्ट्री में रखे विस्फोटक की वजह से ये हादसा हुआ? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।